नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। अभी मैं बानो प्रखंड के एक ऐसे सुदूरवर्ती गांव में पहुंचा हूं, जहां पर जंगली हाथियों का आतंक भी लगातार जारी है। हाथी प्रभावित क्षेत्र है, साथ ही गांव में हम गांव के ग्रामीणों की समस्याओं को जानेंगे कि इन जंगलों के बीच में वो कैसे अपने जीवन को गुजारते हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं और ऐसे में हमें ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ के मूलवासी जो आदिवासी हैं उनका जनजीवन कैसे चलता है, सरकार द्वारा उनको कोई लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसी को जानने के लिए हम आज कोचेदा गांव में पहुंचे हैं। हम लोग को बहुत समस्या होता है रोड के बारे में। हम लोग रोड के बारे में बोल बोल के थक भी जा रहे हैं और अगला को बोलते हैं तो हाँ हाँ बन जाएगा केवल बोलता है, प्लस बोलने के बाद भी वो कर नहीं पाता है। सिल्विस्टर, अभी कहाँ जा रहे हैं आप और कौन गांव कौन सा है? कोचेदा। एम्बुलेंस नहीं पहुंचेगा बरसात में। एम्बुलेंस बरसात में नहीं पहुंचेगा? तो कैसे करते हैं बीमार होने पर यहाँ के लोग? ऐसे ही पैदल। आप लोग यहाँ के तो वोटर ही हैं, वोट तो देते ही होंगे? हाँ, वोट देते हैं। कोई नेता, विधायक, मंत्री, कोई भी इस गांव में कभी चुनाव प्रचार को लेकर आए होंगे कि? आए थे और आते हैं कभी कभार। कौन आए थे? वही कोचे मुंडा आए थे, तो वो बोला है कि हाँ बन जाएगा, लेकिन अभी तक उसका कोई आता ना पता नहीं चल रहा है। अभी तक तो बन जाना चाहिए, कम से कम साल भर से ज़्यादा हो जा रहा है कि उससे भी ज़्यादा हो रहा है, उतना तो हम गिनती करके नहीं रखे हैं, लेकिन वो बोला कि बन जाएगा रोड। तो यहाँ अगर बीमार पड़ता है कोई तो आप लोग जैसे रात का समय हो, है ना, चाहे बरसात का समय, तो कैसे करते होंगे इसको, मरीज को कैसे? बहुत असुविधा लगता है और ले जाने के लिए तो ही हम लोग लास्ट में अपना बाइक से ही लेके जाते हैं। चाहे कुछ हो, चाहे मरीज का कोई कंडीशन हो, बाइक से ही लेना होगा? हाँ, कोई उपाय ही नहीं है। जब एम्बुलेंस अगर फोर व्हीलर इधर घुस जाता या तो टेम्पो भी घुस जाता तो कोई दिक्कत की बात नहीं होता। तो एक बार अगर नेता लोग आएंगे आपके गाँव, और हमेशा चुनाव प्रचार में आते ही हैं, प्रचार प्रसार होता ही है सभी पार्टी के लोग, हाँ सभी पार्टी के लोग, आप क्या मांग करेंगे, उनको क्या बोलेंगे? हम तो यही बोलना चाहते हैं और बोलते भी हैं कि हम लोग को भले कितना भी सुविधा दे दे, लेकिन अगर रोड का सुविधा ना मिले तो हम लोग को बहुत भारी दिक्कत पड़ जाता है। को दिखा रहा हूँ जमीनी हकीकत जो सरकार शायद देख नहीं पाती है, जो प्रशासन शायद देख नहीं पाती है, क्योंकि इस घर की महिला ने बताया कि 4 साल पहले फोटो भी खींच लिए गए, सिर्फ चेक आना बाकी था, हर चीज़ हो चुका था, लेकिन आज तक इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया, जबकि ये आदिवासी हैं। यहाँ पे मात्र 2 दंपति रहते हैं, पति पत्नी सिर्फ रहते हैं, बाल बच्चे नहीं हैं। यहाँ पर नल जल योजना का लाभ मिलना था और मिल सकता था अगर टंकी यहाँ पर लगता और सभी गांवों को नीचे की तरफ सप्लाई कर दिया जाता, मगर नीचे की तरफ टंकी लग गया है जिसके वजह से इन्हें पानी तक नसीब नहीं हो रहा है, मगर खुद के पैसों से बगल में इन्होंने चपाकल खुदवा लिया जिसके वजह से अभी थोड़ी बहुत राहत है। लेकिन घर को आप गौर से देखेंगे तो ये दीवार जो है टूटने की कगार में है, यहाँ पर प्लास्टिक से इसको ढका गया है और कच्चे मिट्टी से ये घर को बनाया गया है। तो ये है झारखंड की हकीकत, क्योंकि चुनावी समय में नेताओं का आगमन होता रहा है, मगर इस गांव की महिला ने हमें बताया कि यहाँ पर आज तक कोई नेता भी नहीं पहुँचते हैं, जबकि ये लोग हर साल हर चुनाव में वोट देने के लिए ज़रूर जाते हैं। हाँ, धास भोग है लेना बेला कॉलोनी ना तो है। हाँ, तो जा देखा पे ओ वाला घर था इसी होता है। हाँ, जब मैं भंग में बैठा हुआ कर और के क्या रहोल घर में दिए जन बूढ़ा बूढ़ी बाल बच्चा नखाए। अच्छा, तो यहाँ अखन का सुविधा है मेन तो के का दिक्कत है गांव में? सब दिक्कत है, घर लागिन दिक्कत है, देर ना देते गांव गांव को रोम जोल मोजा टोला को चादा वोट देख जाओला। हाँ, जाइला वोट देख, ये भूल सा बेड़ा ये गांव को सब जाए। हाँ, सब जाइला। हाँ, एम्बुलेंस मन घुसी गांव में कहीं ना बरखा खन नहीं घुसी। अच्छा, हो बरखा खन वाला जे दोहर पाला से कर
ऊ डिपा में ठाढ़ाला। गांव में कोई नेता उता मना है अखन तक? नहीं आ है। एको बार नहीं आ है? नहीं। और तोरे वोट हमेशा देवल? हाँ हमेशा देला। लेकिन कोई नेता भी देख के नहीं आवे था? नहीं जून तब नहीं आवत है। अच्छा, तो कहाँ कहाँ असुविधा थे गाँव में अखन? खाली हमरे के काठी झूरी करे थी पानी लागिन वे, नहीं तो सब में तांगे आही हमरे कोनो भी चिले में। तो देखो तो यहाँ चापाकल भी है पास में, पानी आवेल तोरे कोड़वा? हाँ अपन पैसा से? हाँ सरकारी वाला टंकी उनकी नहीं लाई है? तो तोहर के कनेक्शन नहीं दिलाए? इन्हें नीचे नीचे ही को हलें। बता दूं कि पहले ये जो है उग्रवाद ग्रसित भी क्षेत्र था, उस समय काफी डर का भी माहौल था, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है। पहले तो काफी खतरनाक जगह रही नहीं? हाँ गुंडा दमास में नहीं रहते हैं काय बेरले एक छोटले रे हमर घर के साइड में कहे करंग गुंडा गिरी मन तेले पाटियाला मन ठग ठग के पैसा मन ले गए, तो पैसा भी मांगत रहे? हाँ ले नहीं तो सेबरा तो मैं सुनत रहो कि हेले रहत रहे खात रहे पियत रहे नहीं। हाँ लेकिन टोलिया कर गाइसी वाला मन उसन पार्टी है कि वो मन मांगत है कही कह के ठक ठक के पैसा मांगत रहे हर एक छोर तो इसने पार्टी है कि कही के चोरों ढुक रहे मोर देव रहे नुकसान हलक से के गोतिया वाय रहे ओदे मानारपुर बटक। अच्छा हो खन ओदे उके मोर देवर के नहीं एकदम हिन्हो मारल हिन्हो हरे हो लाली मारल। अच्छा, अच्छा। हाँ अरे पैसा रहे से मन के सब के निकला लें। यहाँ जैसे स्कूल के लिए बच्चे लोग कहाँ जाते हैं? स्कूल के लिए वही भूसावेड़ा जाते हैं, बांकी जाते हैं। कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? यहाँ से भूसावेड़ा 2.5 किलोमीटर, फिर बांकी पड़ जाता है 9-10 किलोमीटर। तो बच्चा लोग को क्या दिक्कत होता होगा बारिश के समय में? बारिश के समय में वही तो पेड़ में चलाते हैं जो दोन होता है ना, दोन के पेड़ सब में चलाते हैं। तो यहाँ पे जैसे रोजगार का क्या सुविधा है गांव में, या फिर बाहर भी जाते हैं प्रदेश कमाने गांव के लोग? हाँ बाहर भी जाते हैं? बाहर जाते हैं, जब यहाँ रोजगार बराबर नहीं होने के कारण अब गरीबी स्थिति में तो जाना ही पड़ेगा। अगर रोजगार यहाँ बराबर रहता और रोजगार देने वाला अगर बराबर देता तो कोई दिक्कत की बात नहीं होता। और अभी दूसरा समस्या हाथी वाला? अभी समस्या हाथी का ही है। अब हाथी के हाथी को भी भगाते हैं तो कैसे भगाएं? मोएका के घर ढुक दे लो ठड़ाए हो हिने बुलोन हुने बुलो ना अब बाहर हो देखो हिने आओ थे कि कौन डरे हो ना आवेन हल उठिल पता लगे हल तो ओहे आग काठी करिला मसाल मन के धरिला रात के तो दे पहरा कर ली हुआ तेले घरे सुतलो आई जाती। हाँ पूरा गांव कर पहरा? हाँ हुन्ने कर हुन्ने आमरे हिने तीने जन रहिल ई मन दुयो है मन नी पारे लांगड़ा लोंगड़ी रंगा है। तो पता चल लकने है लखाती? नी पता चल लकराती। तो देख सकते हैं ये वही रास्ता है जो दो गांवों को जोड़ता है और वो पर्यटक जगह जो डाड़ी घाघ है वहाँ भी जाता है। ग्रामीणों की काफ़ी लंबे समय से मांग है कि सड़क का निर्माण हो, क्योंकि असुविधा उन्हें काफ़ी होती है, एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाता है। और यहीं पे जो है पुल निर्माण को लेकर लगातार वो जो वर्तमान में विधायक हैं सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं, मगर कोई भी सुनने वाला नहीं है। मेरे पीछे देखेंगे तो एक बस्ती आपको दिखाई दे रहा होगा और सभी लोग हर 5 साल में वोट जरूर देते हैं। मैंने जितने भी महिलाओं से बात की, आदिवासी महिलाएं हो यहाँ पे सदान जो लोग हैं उनसे भी बातचीत थी, सभी ने कहा कि हम लोग वोट देने जाते हैं और वोट देने के लिए भी उन्हें 2 किलोमीटर जाना पड़ता है। जागरूक हैं, वोट देते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा जब सरकार उनकी कोई बातों को ना सुने।